गहलोत सरकार में मंत्री और विधायक रहे हेमाराम चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि महसूस ही नहीं हो रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार है और कुछ काम भी हो रहा है। ये पर्ची और लॉटरी से चुनी हुई सरकार है, यहाँ बीजेपी विधायकों को भी नहीं सुना जा रहा, तो आमजन की तो बात ही क्या करे। हेमाराम चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद में जो विधायक चुनकर गए हैं वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं, बीजेपी विधायकों को कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सरकार विधायकों की राय से नहीं बनी है। तो जो विधायक चुनकर गए थे इसमें किसकी पर्ची खुल जाए ये भी देखा है, कैसे पर्ची खुली और पूर्व मुख्यमंत्री भी चौंक गई। हेमाराम चौधरी ने कहा कि विधानसभा चल रही है और मंत्री किस तरह से अपना जवाब दे रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है। दिल्ली में बैठे दो लोगों के निर्णय हो रहे लागू, हेमाराम केंद्र के कहने पर युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया, बीजेपी विधायकों की कोई नहीं सुन रहा, हेमाराम ने कहा राजस्थान में कोई सरकार नहीं है। भजनलाल सरकार पर जुबानी हमला बोलते हैं हेमाराम चौधरी ने कहा कि राजस्थान की पर्ची वाली सरकार दिल्ली से चल रही है, छोटा मोटा भी निर्णय लिया जाना है तो दिल्ली से पूछ कर लिया जाता है, इनका निर्णय लिए जाने का ना अधिकार है ना ही इनकी क्षमता है, केंद्र से इनको जो भी निर्देश मिलेगा वो ही निर्णय लिया जाएगा। हेमाराम चौधरी ने आरोप लगाया कि युवा मित्रों को हटाने के पीछे भी केंद्र से ही इनको निर्देश मिला था, इसलिए सरकार बनते ही 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का बिना नाम लिए जुबानी हमला बोलते हेमाराम चौधरी ने कहा कि कहने को तो राजस्थान की सरकार लेकिन यहाँ के निर्णय जो दिल्ली में दो व्यक्ति बैठे हैं वो ले रहे हैं, उनके निर्णय ही यहाँ पर लागू हो रहे हैं।